हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिसर्च एंड देयर द सो मेनी कॉन्सेप्ट अबाउट द रिसर्च। सो यू शुड नो बीइंग ए रिसर्चर इफ यू आर गोइंग टू पब्लिश अ रिसर्च, इफ यू आर गोइंग टू इनरोल इन ए फॉर ए पीएचडी डिग्री एंड एमफिल एंड एनी काइंड ऑफ रिसर्च वर्क, दैट यू शुड नो, यू शुड फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ द टर्मिनोलॉजी। सो लेट्स जंप टू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। सो वॉट इज रिसर्च? सो रिसर्च इज द कॉम्बिनेशन ऑफ री एंड सर्च, मीन्स we are going to find out, we are going to do work again for a particular situation or particular problem. Like अगर कोई researcher ने previously किसी result solution provide किया और उसका solution या जो भी result था 80% उसने achieve किया है, then it's our liability and if we are going, we have to find out कि मैं इसको कुछ और इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसके रिजल्ट को अगर मैं थोड़ा सा भी 80 से 90% अगर अचीव कर पाऊँ, दैट विल बी द काइंड ऑफ रिसर्च विद द हेल्प ऑफ और विद द अप्लाइंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेथड, टेक्नोलॉजी, एल्गोरिथम, प्रोसेस। तो बहुत सारी चीज़ों को हम अगर अप्लाई करते हैं सेम सिचुएशन पर, सेम प्रॉब्लम पर, तो डेफिनेटली विल बी रीडायरेक्टेड टू द काइंड ऑफ द रिसर्च वर्क। सो दैट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ द व्हाट इज रिसर्च, मीन्स वी आर डूइंग ए रिसर्च अगेन इन द न्यू कॉन्सेप्ट विद द न्यू मेथड एंड टेक्नोलॉजी टू रिसीव ए पर्टिकुलर बेटर रिजल्ट। नाउ एग्जैक्टली वॉट इज द पर्पज, वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्चर? इन ए सिंगल लाइन वी कैन से द पर्पज ऑफ रिसर्च टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मे बी पॉसिबल रियल लाइफ सिचुएशन, साइंटिफिक प्रॉब्लम, एजुकेशन, देर आर द सो मैनी प्रॉब्लम्स आर अवेलेबल। सो ईच एंड एवरी सेक्टर विल हैव ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइंटिफिक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसर्च एरियाज। तो बहुत सारे रिसर्च एरियाज है, बस हमें देखने का नजरिया चाहिए, परसेप्शन हमारा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। बट वट इज द एक्चुअली पर्पज ऑफ रिसर्च? रिसर्च का सिर्फ पर्पज इतना ही है कि कैसे हम एक इनोवेटिव सॉल्यूशन सोसाइटीज को और प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारा जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे बेटर बना सकें, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन बेटर बना सकें, जो ऑलरेडी सॉल्यूशन किसी रिसर्चर ने दिया उसको हम कुछ एनहांस कर सकें, बेटर कर सकें। दैट इज द एक्चुअली पर्पज ऑफ रिसर्च। सो देर आर द सो मैनी डेफिनेशंस आर अवेलेबल ऑन इन द प्रेजेंट सिनेरियो, देर आर द सो मैनी बुक्स आर अवेलेबल ऑन द रिसर्च, बट after conclusion all the things and deep dive on this particular terminologies, there are the so many definition we have to describe in today's this video. So just think about each and every definition, so maybe possible to find out the hidden truth which has not been discovered yet. मीन्स हम एक ऐसे सॉल्यूशन की तरफ सर्च आउट करना चाहते हैं, गोइंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हिडन है, हमें उस पर्टिकुलर हिडन ट्रूथ को सर्च आउट करना है, रिट्राइव करना है, दैट मीन्स नॉन एज द रिसर्च। सेकेंड डेफिनेशन मे बी पॉसिबल, इट इज ए वे ऑफ रीडिफाइनिंग ए प्रॉब्लम। रीडिफाइनिंग ए प्रॉब्लम मीन्स ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, तो मे बी पॉसिबल मैं किसी न्यू मेथड्स के थ्रू, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके, और मे बी पॉसिबल मैं किसी न्यू कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके वो जो सॉल्यूशन आया है उसको और बेटर कर सकूं, एनहांस कर सकूं, और उस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम थी उसको मैं एनहांस करके उसको बेटर रिजल्ट सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकूं। सो दैट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ द रीडिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज द इट इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इफ वी आर गोइंग टू डू ए साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिसर्च, मीन्स वी आर अप्लाइंग ए टेक्निकल मेथड, टेक्निकल एल्गोरिथम्स, बहुत सारी चीज़ों को अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करने के लिए, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, दैट इज डन बाय द साइंटिफिक पर्सन लाइक द साइंटिस्ट और रिसर्चर्स। सो दैट मे बी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। वी आर डूइंग ए काइंड इन्वेस्टिगेशन नथिंग बट दैट इज ए काइंड ऑफ सर्चिंग इन डिटेल थ्रू द टेक्निकल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज इट इज ए सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन ए न्यू फैक्ट्स एंड रिजल्ट, मीन्स अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो अगर तो उस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए हमें कुछ सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं, तो दीज सर्टेन स्टेप्स आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द सिस्टमैटिक एफर्ट, मीन्स वी आर डूइंग ए रिसर्च। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो, सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद मार्क
पूरा सिनेपुरस को डिस्कस करना है, डिटेल में जाना है, और देन उसके लिए जितने भी पॉसिबल डेटा हैं उसके लिए, डेटा के लिए हमें पूरा डेटा कलेक्ट करना है, देन उसके लिए हमें डिस्कस करनी है, थॉरली एक डीप डाइव करना है, डिटेलिंग करनी है हर एक टॉपिक के लिए. सो दैट इज़ ए काइंड ऑफ सिस्टमेटिक वे टू गो टू अ पर्टिकुलर, फाइंड आउट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इशूज. नेक्स्ट वन इज इट इज अ स्टेप फ्रॉम नॉन टू अननोन. मीन्स एक रिसर्च में भी पॉसिबल कि हमें कुछ चीज़ मालूम है, बट हमें उन जो मालूम है उनकी हेल्प से कुछ जो हमें फाइंड आउट करना, जो दैट इज द अननोन और हिडन ट्रूथ, उसको हमें फाइंड आउट करना है. दैट कम्स अंडर द कैटेगरी द डेफिनेशन ऑफ द रिसर्च. मीन्स फ्रॉम नॉन टू अननोन मीन्स हमें जो कुछ मालूम है, हमें उस पर्टिकुलर नॉन को एज ए रेफरेंस में लेकर कुछ अननोन फैक्ट को फाइंड आउट करना है. दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द रिसर्च डेफिनेशन. नेक्स्ट वन इज द इट इज ए वे और टू फाइंड आउट ए सॉल्यूशन ऑफ ए एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम और अपकमिंग प्रॉब्लम. मीन्स हमें एक रिसर्च का एक एग्जैक्टली मीनिंग मैं आपको साथ शेयर करूँ कि रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं. उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका हमें एक सॉल्यूशन निकालना है, और वो सॉल्यूशन अगर आपका इनोवेटिव है देन यू मे गो फॉर ए पेटेंट कि मैंने एक बहुत स्पेसिफिक इसका सॉल्यूशन निकाला है. हमने मार्केट में देखा, हम बहुत सारी चीज़ों को लाइवली ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको यूज भी कर रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें जिसने भी व्हाट्सअप निकाला और जिसने भी ये सारे मेडिसिन्स निकाले, वैक्सीनेशंस दिए, ये सारे रिसर्च है काइंड ऑफ डन बाय द डॉक्टर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट. सो एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम सिर्फ फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशन को जो फ्यूचर के लिए और फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लिए भी सॉल्यूशन के लिए हम फोरकास्टिंग करते हैं. सो दीज पॉसिबल डेफिनेशन कम आर द रिलेटेड टू द रिसर्च. नाउ नेक्स्ट वन इज द मोटिवेशन इन रिसर्च. मीन्स हम रिसर्च क्यों करते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्टली पर्पज ऑफ अस, हमारा मीनिंग क्या है, क्यों हम रिसर्च कर रहे हैं. तो मे बी पॉसिबल आप सभी का यही आंसर होने वाला है, अ पर्सन डिजायर टू गेट ए रिसर्च डिग्री ओनली फॉर द PhD, कि मुझे डॉक्टरेट होना है, मुझे MPhil करना है, एक बहुत अच्छा फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फुलफिल करना है कि मुझे डिग्री होगी मेरे पास, तभी मैं एक एज ए प्रोफेशनल लीड कर पाऊंगा, उसमें मुझे मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, और एक मैं अच्छा एक साइंटिस्ट भी बन सकता हूँ. और बट ये काइंड ऑफ एंट्री गेट है कि मुझे पास डिग्री एटलीस्ट होना चाहिए. तो शायद हमारी कुछ ऐसी डिजायर्स रहती हैं, शायद हमारे बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीज़ें चलती हैं कि मुझे PhD क्यों करना है. तो कभी जब सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो हमारे शायद ऐसे ही काइंड ऑफ हिडन ट्रूथ हमारे सामने, हम रियलाइजेशन करेंगे, अपने आप से पूछेंगे तो शायद हमारे पास यही आंसर आएगा. तो काइंड ऑफ द टू अपना फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए. और मे बी पॉसिबल आप PhD रिसर्च इसलिए कर, रिसर्च मीन्स नथिंग टू डू PhD, PhD तो जस्ट एक काइंड ऑफ डिग्री है, बट रिसर्च मीन्स यहाँ पर कुछ और इसका मीनिंग है. रिसर्च का मीनिंग कुछ और है कि हमें कुछ अन जो हिडन ट्रुथ है, जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनका सॉल्यूशन देना है, निकालना है. दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द रिसर्च. रिसर्च मीन्स हमें किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, किसी इश्यूज को सॉल्व करना है और उसको सोसाइटीज को देना है. सोसाइटीज हम और आप ही हैं. तो पर्सन डिजायर टू सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम. तो जरूरी नहीं है कि मैं PhD करूं तभी मैं रिसर्च कर पाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. आप बिना PhD डिग्री किए भी रिसर्च कर सकते हो, और दैट विल बी नॉन वाइड अक्रॉस द ग्लोब. नेक्स्ट वन इज द पर्सन डिजायर टू गेट रेस्पेक्ट. मे बी पॉसिबल कि PhD करने के बाद सभी को एक रेस्पेक्ट के नज़रिए से देख सकते हैं, देखा जाता है कि अरे ही जे डॉक्टरेट पर्सन PhD कर चुका है, तो डेफिनेटली इट इज एक्सपेक्टेड इट इज के रियली ही और सी इज हैविंग द वेरी गुड नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो हम और आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर PhD करते हो तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, डेफिनेटली इट इज़ एक्सपेक्टेड बाई अदर्स और स्टूडेंट्स के सर ने अगर PhD किए, डेफिनेटली दे नो वेरी वेल इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो काइंड ऑफ रेस्पेक्ट वी रिसीव फ्रॉम द सोसाइटीज. नेक्स्ट वन मे बी पॉसिबल पर्सन डिजायर टू प्रोवाइड ए सॉल्यूशन ऑफ अपकम सोसाइटी लाइक रिसर्च ऑन कोरोना वैक्सीन. इन प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे इशूज हैं, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन से पूरा वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम इशूज है. तो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सभी लोग सर्च आउट कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट सभी ऑल ओवर सारी कंट्रीज इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में लगे. सो दैट इज अ काइंड ऑफ रिसर्च. अगर कोई इस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन को सर्च आउट करता है, डेफिनेटली विल बी
इट विल बी बेनिफिशियल टू अस, हम पूरे समाज के लिए, पूरी सोसाइटीज़ के लिए, पूरे कंट्रीज़ के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बेटर हो, रिजल्ट होगा और ये काफ़ी सपोर्टिव रहेगा, हेल्पफुल. सो दैट इज थिंग्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द रिसर्च. मीन्स इन सभी चीज़ों को ही हम रिसर्च बोलते हैं. रिसर्च नथिंग बट दैट इज ए काइंड ऑफ फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम को हमें एक सॉल्यूशन निकाल कर देना, जिससे हम सभी का, सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिल सके. सो गुड रिसर्च क्राइटेरिया, अच्छी रिसर्च के क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, व्हाट आर द गुड रिसर्च क्राइटेरिया. सो फर्स्ट वन मे बी पॉसिबल रिसर्च शुड बी सिस्टमेटिक, एज वी ऑलरेडी नो कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं डेफिनेटली वी हैव टू फॉलो द सर्टेन स्टेप्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. नेक्स्ट वन इज द रिसर्च शुड बी लॉजिकल, लॉजिकली होना चाहिए हमें, लॉजिकली हमें कोई एक थ्योरेटिकल बेस पे नहीं चलना है. यहाँ पे लॉजिक रिसर्च का जो फाइंड आउट सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है वो लॉजिकल वे में आता है, टेक्निकल वे में आता है, इंजीनियरिंग टाइप कैटेगरीज में रिजल्ट इसके आते हैं. सो दैट नॉन इज द लॉजिकली आपका रिजल्ट होना चाहिए. मीन्स यू हैव टू प्रूव कि कैसे इसका रिजल्ट आया, तो कैसे आया, बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, डेटा कलेक्शन है, डेटा गैदरिंग है, मैंने ये टेक्निक्स अप्लाई करी, इसके लिए मैंने सिमुलेशन किया, मैंने बहुत सारी टेस्टिंग की. दीज आर द काइंड ऑफ लॉजिकल वे टू फाइंड आउट ए रिसर्च. द पर्पज ऑफ रिसर्च शुड बी क्लियरली मैंसेज. अगर आप कोई रिसर्च आप करने जा रहे हैं, PhD कर रहे हैं, MPhil करने जा रहे हैं, MTech करने जा रहे हैं, कुछ भी रिसर्च करने जा, आपका विजन एंड मिशन टुवर्ड्स द रिसर्च, आपका रिसर्च टाइटल आपका क्लियर होना चाहिए, क्लियरली मैंसन्ड होना चाहिए. द रिसर्च प्रोसीजर शुड बी इन डिटेल, बहुत डिटेलिंग में होते, क्योंकि रिसर्च मीन्स वी आर डूइंग ए काइंड ऑफ डेप्थ. नॉलेज आपकी डेप्थ में होगी तभी दैट विल बी नॉन एज द रिसर्च. रिसर्च मीन नथिंग अबाउट ए वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑल द हिडन ट्रूथ. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिसर्च. द डिजाइन ऑफ रिसर्च शुड बी वेल प्लान. जब आप अगर किसी रिसर्च को डिजाइन करने जा रहे हैं आफ्टर फाइंड आउट द डेटा कलेक्शन और बहुत सारे टाइटल आपका क्लियर है, तो डेफिनेटली यू हैव टू प्लान इन ए मैनर. द ऑथर और रिसर्चर मेंशन अबाउट देयर फाइंडिंग, क्या का उसने फाइंडिंग की. एक रिसर्च, अच्छी रिसर्च के क्राइटेरिया में ये भी होता है कि उसने डेटा कलेक्शन क्या किया, उसने क्या फाइंड आउट किया, क्या बहुत सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करता है, रिट्राइव करता है, एक्सेस करता है, इवन उसको फाइंड आउट जो भी उसने किया उसको वो थॉरली और बिल्कुल क्लियरली मैंसन करना भी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द रिसर्च. द डेटा एनालिसिस शुड बी इन डीप एंड वेल मैनर्ड. हम जब भी रिसर्च करते हैं तो हमें हमेशा हमारा माइंड सेट करके रखना चाहिए और करना ही पड़ेगा हमें अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, क्योंकि हम जब तक फोकस्ड नहीं होंगे, डीप में नहीं जाएंगे, पर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग डेफिनेटली वी कैन नॉट डू द रिसर्च. तो डेफिनेटली वी हैव टू गो इन टू द डीप डाइव. नाउ कंक्लूजन, कंक्लूजन आपके रिसर्च के अंदर होना चाहिए. अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आपने जिस टॉपिक पर रिसर्च का टाइटल, जो टॉपिक्स है अकॉर्डिंगली, आपको रिसर्च के सारे टाइटल्स के अकॉर्डिंगली आपको कंक्लूजन भी उसमें मेंशन करना पड़ेगा. और कंक्लूजन के अंदर आपने जो भी उस पेपर के अंदर जो भी आपने बात की है वो सारी चीज़ों को हाईलाइट करना है, बट ब्रीफ में इस पर्टिकुलर रिसर्च की क्या, इस पर्टिकुलर पेपर्स की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इसके इसके फीचर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें कंक्लूजन सेक्शन में कवर्ड अप होती है. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द रिसर्च पेपर प्रोसेस. अब रिसर्च प्रोसेस किस टाइप से हम मेंटेन करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे अगर हम एक रिसर्च करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू ए रिसर्च एंड वी आर डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम. सो व्हाट आर द स्टेप्स शुड बी फॉलोड. सो हियर आर द सम स्टेप्स लाइक द डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. वी हैव टू आइडेंटिफाइड अ रिसर्च प्रॉब्लम. सबसे पहले हमें रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करना है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, यहाँ पर ये इशूज है, इस प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाइड करा. और एक पेपर से भी नहीं होता, इसके कम से एटलीस्ट यू हैव टू एनालाइज एटलीस्ट 100 पेपर, 50 to 100. एक अच्छा रिसर्चर तभी होता है जब वो बहुत डिटेलिंग में सारी रिसर्च करता है. सो वी हैव टू फाइंड अ डिफाइन ए रिसर्च प्रॉब्लम, देन आफ्टर दैट कंक्लूजन, एक आपका रिसर्च की टॉपिक निकल के आता है, दैट दैट इज मीन रिसर्च प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन इज द रिव्यू द लिटरेचर. तो बहुत सारे रिव्यू, इस पर्टिकुलर जब आपने एक रिसर्च को आइडेंटिफाइड कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, देन यू हैव टू गो इन डीप डाइव अबाउट द रिव्यू एंड लिटरेचर. तो आप बहुत सारे जो उस पर्टिकुलर टाइटल से रिलेटेड रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है,
साइंटिस्ट ने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं उनके, उन्होंने किस टाइप से किए, तो वो आपको वो पेपर्स को डाउनलोड करके उनको बहुत केयरफुली रीड आउट करना है, और आपको एक अपने नोट्स बनाना है कि किस साइंटिस्ट ने आपको क्या क्या इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए, उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या लिमिटेशन, वो सारे चीज़ें यहाँ पर फैक्ट आपको रिव्यू लिटरेचर से मिल जाएंगे जो ऑलरेडी रिसर्च पब्लिश हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप इज़ द फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। तो ऑन द बिहाफ ऑफ जो भी आपने रीड आउट किया है प्रीवियस पेपर से, जो भी आपने रिसर्च को प्रोसेस को थॉरली स्टडी करने के बाद आपने जो भी फाइंड आउट किया उसको आप फॉर्मुलेट करेंगे, और अपनी एक हाइपोथेसिस और अपनी एक प्लानिंग, एक प्रपोजल आप रेडी करेंगे, और फिर अकॉर्डिंगली आप अपनी रिसर्च को डिजाइन करेंगे, उसको एक प्लानिंग करेंगे कैसे मुझे अपनी रिसर्च करना है, कौन कौन सी मेथड्स यूज होंगी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम इसके लिए इसमें यूज करने वाला हूँ, और कौन कौन सी एल्गोरिथम्स को यूज करने वाला हूँ। तो ये सारी प्रोसेस इस पर्टिकुलर डिजाइन अप्रोच के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द फोर दीज टाइप ऑफ द फोर स्टेप्स वी हैव टू गो टू द कलेक्ट डेटा। मीन्स हमारी जो प्रॉब्लम है उसके करस्पॉन्डिंग हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, देन वी हैव टू टेस्ट। तो कलेक्शन, डेटा कलेक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सपोज वी आर डूइंग रिसर्च इन द मशीन लर्निंग और सपोज काइंड ऑफ द सुपरवाइज लर्निंग, अगर मैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जा रहा हूँ, डेफिनेटली वी हैव टू एक्सप्लोर, वी हैव टू कलेक्ट द डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर इशूज। तो हमें बहुत सारी स्टडी, जो भी हमने रिसर्च पेपर को पढ़े और मार्केट प्रेजेंट सिनेरियो का जो भी मार्केट ट्रेंड चल रहा है वो सारे हमें डेटा और सर्वे भी करना पड़ सकता है हमको। तो इन दैट मैनर वी कैन कलेक्ट द डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर रिसर्च। नेक्स्ट एनालाइज द डेटा। आफ्टर कलेक्शन द डेटा वी हैव टू एनालाइज द, वी हैव टू टेस्ट द डेटा। मीन्स हमने जो डेटा कलेक्ट किया है कितना वो अप्रोप्रिएट है, कितना वो एडिक्योट केट है हमारी इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए, तो दैट डिफाइन बाय द एनालाइज द डेटा से टेस्ट। जो भी आपने डेटा को कलेक्ट किया है आप उसको पहले फिर टेस्ट करेंगे कितना जो हमारा अप्रोप्रिएट होगा, यूजफुल डेटा होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, और जो भी अनयूजफुल डेटा होगा, मे बी पॉसिबल आपने 100 डेटा कलेक्ट किए और 100 में मे बी पॉसिबल 20 डेटा जब आपने उसको टेस्ट किया तो मे बी पॉसिबल यू हैव टू फाइंड आउट कि 20% जो डेटा होगा वो आपको अनयूजफुल है, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, देन वी हैव टू डिस्कार्ड इट। तो उस डेटा को हम डिस्कार्ड कर देंगे, और जो भी डेटा हमारा 80% डेटा यूजफुल है देन उसको हम टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको फाइंड आउट करेंगे, देन अगेन बी अगेन टेस्ट दीज 80% डेटा, फिर हम वो 80% डेटा फिर अगेन से फिर से टेस्ट करेंगे और अपनी डेटा को अपने उसको एनालिसिस फिर से करेंगे। तो अकॉर्डिंगली इन दैट मैनर वी कैन फाइंड आउट द डेटा एंड वी कैन टेस्ट द डेटा। एंड एट लास्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑल द डेटा कलेक्शन डिजाइन एंड बी आफ्टर दैट वी हैव टू इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट। फिर हम उसके बिहाफ पर एक रिपोर्ट हम अपनी रेडी कर सकते हैं कि पूरा एक थॉरली जो हमारा प्रपोजल होता है, हमारी सिनॉप्सिस होती है पर्टिकुलर किसी रिसर्च के लिए, और जो भी हमारे रिपोर्ट्स आएंगे, जो हमारे टेस्टिंग रिजल्ट आएंगे, कंक्लूजन्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे इस पूरी रिसर्च का, दैट विल बी नोन एज द इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट। सो दीज आर द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो टू डू ए रिसर्च। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मे बी पॉसिबल वन एज पर योर डिसिप्लिन, मे बी पॉसिबल वन स्टेप शुड बी एक स्टेप और आप प्लस और माइनस भी हो सकते। तो इट्स डिपेंड ऑन द टाइटल्स एंड टॉपिक्स एंड डिपेंड ऑन द डिसिप्लिन, किस डिसिप्लिन में आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं। तो मे बी पॉसिबल इंजीनियरिंग की जो प्रोसेस होंगी वो स्टेप्स कुछ अलग भी हो सकती, मे बी पॉसिबल एक साइंस बैकग्राउंड, ह्यूमनिटीज, तो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कुछ वेरी कर सकते हैं। बट कॉमनली ग्राउंड लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो इस ऑलमोस्ट सभी जगह ये सारी प्रोसेस और स्टेप्स फॉलो होती हैं एक रिसर्च प्रोसेस के लिए, एक रिसर्च को किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। सो दीज ऑल अबाउट द प्रोसेस और स्टेप्स आर यूज टू डू ए रिसर्च। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हेल्प योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।